आप इनको बोले थे कि हम शादी करेंगे तुमसे? हम फोन में बोलते थे। बोलते थे ना? जी सामने ही बोलते थे। बोलते वही आज कर रहे हैं आप? जी कर रहे हैं। कुछ गलत तो है जी, थोड़ा झूठ आप भी बोल रहे हैं, थोड़ा ये भी। एक चीज बहुत अच्छी लगी है इस केस में कि कम से कम एक इंसान है, एक शादी को एक्सेप्ट ही नहीं लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने बहुत जल्दी, जब ये लड़की बोली कि हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं दोनों को रखूँगा। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि कम से कम इनके अंदर में इंसानियत बचा हुआ है। और उन्हीं, नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और इधर सरिता मैडम बैठी हुई हैं, उधर बबलू सर बैठे हुए हैं और पटना हाई कोर्ट के वकील अगर आए हुए हैं तो कुछ ऐसी बात जरूर होगा, आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ इससे पहले जो है एक वीडियो आप देखे होंगे, एक लड़की लड़का पति पत्नी अलग हुए जिनका सर ही डिवोर्स करवा रहे हैं, और दूसरा आज ही के दिन उसी दिन एक लड़की लड़का जो है कि प्रेम प्रसंग किए हुए थे, शादी किए थे, लेकिन वो शादी को अभी साइड करके अब जो है कि लीगली जो कोर्ट से होता है वो सर करवा रहे हैं। और दूसरी बात कि वह पहले से शादीशुदा है, ये जो आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं मुँह ढकी हुई हैं, ये पहली पत्नी हुए और उनका दो बच्चा भी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ऐसी कुछ गलती हो गई, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर लिए, दोनों एक दूसरे से करीब हो गए। और देखिए ये यही बच्चा है उनका पहला, एक पता नहीं घर में होगा, और ये जो है उनका छोटा भाई है। तो ये दोनों प्रेम प्रसंग में नज़दीक हो जाते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और काफ़ी देर सुबह से ही लगातार काउंसलिंग हो रहा है, लड़की को भी समझाने का प्रयास किए मैडम, उनको भी सबको समझाने का प्रयास सुबह से हो रहा है, कोशिश हो रहा है कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें बिगड़ जाता था तो कुछ सुधर जाता था, लेकिन हाँ अभी सबका मानसिकता जो है एक हुआ है कि सब साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें भी कुछ शिकायत है, अभी आप लोगों को बताएंगे। लड़की के माँ बाप भी मौजूद हैं, उनको रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से रोई जा रही हैं क्योंकि यह लड़की इतना ज़्यादा पागल हो गई है प्रेम में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। किसी की बस की बात नहीं है यहाँ इसको समझा पाए, मम्मी पापा इतना समझाएं कि छोड़ दो, मतलब दूसरा शादी करवा देंगे, हाँ तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी एकदम इतना रोई जा रही कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। साइड में बैठे हुए हैं मम्मी पापा, उनके सुन रहे हैं, नहीं दिखाइएगा, छोड़ दीजिए। हाँ तो वो दोनों जो है कि नहीं आना चाहते वीडियो में और बहुत ही ख़राब स्थिति है। चलिए इनसे पहले जान लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? लालगुटी कुमारी। पहले भी ये मीडिया में आए हुए थे, आप लोगों को पता होगा, और वही लड़की है आज जो इनका आज उस केस का जो एक समाधान हो रहा है नारायणी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा। क्या नाम बताएं? लालगुटी कुमारी। क्या हुआ आपका केस काउंसलिंग हुआ? जी। क्या हुआ केस काउंसलिंग में? सब लोग समझौता कर रहे हैं, साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उसके साथ रहना चाह रहे हैं? जी। हाँ वो रखना चाह रहे हैं? जी। हाँ जी। उसी से विश्वास है तुम्हें कि कोई तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, विश्वास करते हैं? ये हमारे क्षति नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन इनके घर में जो भी लोग हैं वो हमको करवा सकते हैं। इनको कहोगे तो परिवार अपने आप ही मिल जाएगा। वो तो है, लेकिन ये मतलब घर वालों की बात में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अधूरा तुम्हारा विश्वास है, घर वाले के फेवर में आप बात बदल नहीं सकते। अब आप लोगों को कोर्ट मैरिज करना है जी। दूसरी तरफ हम आपके मम्मी का भी देख रहे हैं कि वो काफ़ी देर से रोई जा रही हैं, वो बहुत चीज़ आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप उनका कुछ सुन क्यों नहीं रहे? हम उनको बहुत समझा चुके हैं, वो भी हमको बहुत समझाए, गार्जियन गलत नहीं है वो लोग, लेकिन हम गलती की हम अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि दूसरा शादी करें चाहे कहीं भी जाए, हमारे पास में उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। उनको भी समझिए, वो रोई जा रहे हैं तो कम से कम आप चुप भी तो कर रहे हैं। भी जाएंगे तो हमारा कोई ज़िंदगी है नहीं उसके बाद, उसके बाद मेरा कुछ मम्मी पापा जन रहता है तो उनको थोड़ा समझाइए, रो रही कम से कम आप तो दूसरा शादी के लिए, दूसरा शादी मतलब मेरे बस का बात नहीं है। अच्छा मतलब इसी के साथ रहना जी? हाँ ये जैसे रख जी। आपको कोई डर कोई शक कोई दबाव? बस डर शक यही है कि इनके घर का लोग हमको मतलब दिक्कत कर सकता है, ये नहीं करेंगे। वो पहले से शादीशुदा है, आपको पता चल गया ना जी? इस बात को जानते हुए भी तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो आने वाले भविष्य में तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानी आएगी उसकी जवाबदेही तुम्हारी स्वयं की होगी, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन कहीं ना कहीं इसलिए मजबूर हो गई है कि लगातार ही अपने बातों में कह रही है कि अगर ये लड़का के साथ नहीं रहेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमें इसी के साथ रहना है। तो इसके जान मान इसके जीवन के सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग इस निर्णय पर आए हैं और लड़का को इस चीज़ के लिए कन्विंस किए और समझाए हैं कि तुम जब प्रेम किए हो, जब शारीरिक संबंध बना लिए हो तो तुम दोनों पत्नी को रखो, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग मंदिर में जाके ये लोग इससे एक नौटंकी बना ली है, सब जाके मंदिर में शादी कर लेती है, न किसी परिवार की ज़रूरत है न समाज की ज़रूरत है, बस मंदिर में जाओ सिंदूर डाल दो पति पत्नी बन जाओ।
तो ऐसी तमाशा हो रही है। तो आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन यह निर्णय ले रही है कि कहीं ना कहीं जब तुमको लॉन्ग टाइम इसके साथ रहना ही है तो तुम भी लीगल इसकी पत्नी बन के रहो, ताकि आने वाले भविष्य में कोई परेशानी फिर से पैदा ना हो। बाकी बात देखिए, लड़का की तरफ से काफ़ी लोग आए हुए हैं, लड़का के भाई हैं, लड़का के पहली पत्नी हैं, लड़का के साला जी हैं, लड़का के चचेरा भाई हैं, ये पीछे देख रहे हैं चचेरा भाई हैं। क्या इस चीज़ से खुश हैं ना आप लोग भी? हम क्या बोले, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। क्या गलती किए हैं कि नहीं? गलती किए हैं, बाकी दोनों का कोई गलती नहीं है, लड़का जो गलती किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए घबरा रहे हैं थोड़ा, कोई नहीं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी का कोई दबाव? दबाव नहीं है, मगर जो हमारे ऊपर बता रही है कि मंदिर में शादी किए हुए, हम सब हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर ये बोल रही है ना ये गलत है। ये भी बात ही बोल दी कि हम लोग हम शादीशुदा नहीं थे, ये बोली हुई है ना इससे पहले में, इसको पता था फिर भी इन्होंने आपसे प्रेम किया। हम भी मान लें, हम एक्सेप्ट प्रेम किए जी जी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर ये बात जो बोली गलत बोली, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा इस बात के लेकर। जब होता है अगर किसी से आप प्रेम करें और वो झूठ बोल के प्रेम करे तो थोड़ा बुरा लगता है। शारीरिक संबंध थे ना? जी थे। एक पति पत्नी का जो संबंध होता है जी थे, रिश्ते में आप लोग आ गए? जी जी आ गए थे। तो एक लड़की के तो भावना को आप छू दिए। अच्छा इनका शादी लग रहा था तो आप इनका शादी नहीं होने दिए? नहीं, गलत बोल रही है। गलत बोल रही है, गलत नहीं खिला सकते हैं, ये झूठ भी इतना सब लोग बोलता है कि हम कसम भी नहीं खिलाए, कसम खिलाएंगे। अच्छा, आप इनको बोले थे कि हम शादी करेंगे तुमसे? हम फोन में बोलते थे। बोलते थे ना? जी सामने ही बोलते थे। बोलते वही आज कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। कोई गलत तो है जी, थोड़ा झूठ आप भी बोल रहे हैं, थोड़ा ये भी। एक चीज बहुत अच्छी लगी है इस केस में कि कम से कम एक इंसान है, एक शादी को एक्सेप्ट ही नहीं लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने बहुत जल्दी, जब ये लड़की बोली कि हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं दोनों को रखूँगा। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि कम से कम इनके अंदर में इंसानियत बचा हुआ है। और उन्हीं से बयान लीजिए, हम लोग तो मजबूर हैं, हम लोग को देखिए, हम लोग को ऐसी शादियाँ करा के खुशी नहीं मिलती है। हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन किसी के जीवन के रक्षा करने के लिए मजबूरन ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या सर शादी करवा रहे हैं? हम शादी देखे चुके ऑलरेडी, वो शादीशुदा हैं, लेकिन फोटो भी है ना, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बाहर सवाल है कि अब लड़की जाएगी कहाँ, उसके उनके फ्यूचर का सवाल है, तो रखने के लिए तैयार हैं, तो हंसी खुशी रहना चाहिए, बहुत अच्छा। लड़की देखी थी पहले? देखिए हम लोग के पास बहुत सा केस आते रहता है, एक से एक ब्रस्ट का। देखिए माँ बाप रो रहे हैं और लाख मना रहे हैं कि छोड़ दो, दूसरा शादी करवा देंगे, खुशी से रहना। किसी का माँ बाप है, जब बेटी का दुख होगा, बच्चा का दुख होता है, माँ बाप का जरा से भी नहीं सुन रही है, बस इनको सिर्फ ये लड़का दिख रहा है। ये होता है ये सब, चूँकि प्यार मोहब्बत में क्या बताए भाई, हाँ तो डूब के जाना है, सुने है ना, इश्क का दरिया है डूब के जाना है, डूब के जा रही है। हम लोग बहुत समझाने का कोशिश किए, हम लोग ये बोले कि देखो प्रेम हमेशा पाने का चीज़ नहीं होता है, कभी कभी त्याग कर देना भी बहुत बड़ा। जन्माष्टमी है मैडम, थोड़ा उन्हीं का एग्जांपल दे दीजिए, राधा कृष्ण जी का। तो मैं तो दी हूँ, मैं बोली हूँ, मैंने लगातार समझाया, मैंने उन्हें भी समझाया कि आप अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये भी बोले, हम फोन पे भी बोलते थे पहले कि हाँ तुमसे शादी करेंगे करेंगे, और अभी वो बोल रहे हम रखेंगे। देखिए पहली पत्नी को देखते हुए और दो बच्चे के भविष्य को देखते हुए, इसका अभी बहुत सारा भविष्य बचा हुआ है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एक शादीशुदा पुरुष के साथ तुम्हारी लाइफ क्या होगी, तुम्हारा प्रेम बटेगा, और इसी चीज़ को लेके तुम हमेशा अनबन करोगी, झगड़ा करोगी, अशांति में रहोगी। तो अभी तुम्हारे पास समय है, तुम बच सकती हो, प्रेम में त्याग भी किया जा सकता है। अगर त्याग करती हो तो किसी का कोरा पति मिल जाएगा, किसी महिला को कृष्ण जी जैसे। हाँ, लेकिन आजकल की लड़के और लड़कियाँ कृष्ण और राधा प्रेम नहीं करते हैं, और जो लोग उनके प्रेम का उदाहरण भी देते हैं वो शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जिनकी पूजा की जाती है, तो राधा और कृष्ण का भी शादी हुआ था, वो दैविक रूप से राधा कृष्ण का शादी हुआ था, ईश्वर थे, सबके स्मृति को वो भंग कर दिए थे। उसके बाद राधा रानी समाज को दिखाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति से शादी करती हैं, इसलिए शादी करती हैं कि उनके पिता जो वृषवान थे, उनके जो मतलब पुरोहित थे, तो पुरोहित तो ब्राह्मण होते हैं ना, उन्होंने उनकी बेटी का मांग कर दिया,
कि मतलब राजा हमेशा मैंने आपका सेवा किया है, मैं आपका पुरोहित हूँ, मेरा बेटा आपके बेटी को पसंद करता है, आप राधा को मुझे दान में दे दें। अब उसके बाद जब वो जो मतलब वृषभान जो थे सो बोले कि से नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, राधा कृष्ण से प्रेम करती है और राधा कृष्ण का प्रेम विख्यात है, पूरा संसार जानता है, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वृषभान बोलते हैं कि मैं अपना राज त्याग दूंगा, आज मैं अगर एक पुरोहित के वचन को तोड़ रहा हूँ तो मैं अपना राज त्याग दूंगा, मैं वनवास चला जाऊंगा, लेकिन मैं राधा का शादी नहीं कर सकता हूँ, वो किसी और से प्रेम करती है। उसके बाद क्या होता है कि राधा जी ये बात सुन लेती हैं वृषभान के कि मेरा पिता मेरे वजह से राज छोड़ने के लिए तैयार है, ये मेरा कैसा प्रेम है। तो राधा कृष्ण के पास जाती हैं, बोलती है कन्हैया क्या मेरा प्रेम इतना स्वार्थी है कि मेरे प्रेम में मेरे माता पिता को वनवास सहना पड़े। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं राधा, हमारा प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं हो सकता है, प्रथम तुम्हारा कर्तव्य है अपने माता पिता का रक्षा करना, उनके सम्मान का रक्षा करना। तो ऐसे थे राधा रानी, और राधा रानी दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए और अपने मर्जी से जाके शादी कर ली अपने पिता के मान रखने के लिए। और कृष्ण भी संसार को दिखाने के लिए 16,000 रानियों का उदाहरण पड़ता है। 16,000 रानियाँ कौन थी? उनको एक राक्षस, एक इतना भयानक दानव था जो कुमारी कन्याओं का हरण कर लिया करता था और अपने पास रखता था। तो उसको देखिए, जब वो राक्षस को कृष्ण भगवान मारे तो उन 16,000 कन्याओं को रखने के लिए कोई नहीं तैयार था। उसका जो पति था, माता पिता था, बोला ये बदनाम हो चुकी है क्योंकि एक दैत्य के पास काफ़ी समय बिता के आ रही है, अब इस लड़की को मैं नहीं स्वीकारूंगा। उसके पति है, पति बोल रहा है मैं नहीं स्वीकारूंगा। तो इसके वजह से कृष्ण उन 16,000 रानियों के उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने उनका पाणी ग्रहण किया और पत्नी रूप में स्वीकार के समाज में उनको प्रतिष्ठा दिया। तो ये है श्री कृष्ण। हाँ। तो इसीलिए श्री कृष्ण और राधा का प्रेम स्वार्थी कर ही नहीं सकता है। का प्रेम स्वार्थी नहीं, स्वार्थी प्रेम मार देगा। हाँ। अगर अभी ये लड़का अस्वीकार दे तो ये अपने आप को मार देगी, लड़का को मार देगी। हाँ। ये कुछ भी कर सकती है। हाँ। ये लड़का है, लड़का तो खैर अभी ऐसा नहीं बोलेंगे, एक तरफ पत्नी है एक तरफ प्रेमिका है, तो स्वीकारने के लिए तैयार है। जब स्वीकार लिया तो उस पर कोई आरोप नहीं है, है ना। लेकिन मैं लड़की के लिए इसलिए कह रही हूँ, लड़की दो पार्ट में है, लड़की की माँ नहीं चाह रही है, माँ पिता नहीं चाह रहे हैं कि तुम उससे शादी करो, लेकिन लड़की कर रही है और वहाँ माता पिता का सम्मान हनन हो रहा है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी बात देखिए, इनकी पत्नी भी मौजूद थी, पहली पत्नी, लेकिन नाराज़गी तो सबको होना चाहिए, कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि अपने पत्नी को अपने पति दूसरा शादी देखते हुए तो वो यहाँ से चली गई। बाकी बात देखिए, पहले वो भी बोल रही थी ठीक है इनको जैसा सही लगे वैसा हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रही है, पति उनका गलती किए हैं फिर भी कुछ नहीं बोले। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। बस ये एक वीडियो बना दिए ताकि इनके फ्यूचर के लिए यह चीज़ अच्छा रहे, सबूत रहे बन के, ताकि जो भी किए हैं यहाँ सब लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि आरोप किसी के ऊपर भी लग जाता है, तो ये चीज़ें सुरक्षित के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है।